हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑटोमेट। आज के इस एपिसोड में हम आपको किया सेल्टॉस एक्स लाइन की लॉन्चिंग पर आए हैं और यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे, लाइक क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं एंड मोर ओवर इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। सो प्लीज़ बी इन द वीडियो टिल द वेरी एंड। अब बात करते हैं गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स की। तो गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स इस कलर में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जब ये अनवील की आ रही थी उस टाइम पे जब मैं देखा तो मतलब दो सेकंड के लिए तो मैं इसको देखता ही रहेगा, इतना प्यारा कलर ये लगता है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है और इधर आपको ये किया का नया लोगो मिल जाता है। उसके नीचे आपको इधर साइड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और उसी के जस्ट नीचे आपको ये इंडिकेटर्स अवेलेबल कराए गए हैं और यहाँ पर आप आइस क्यूब शेप में वही रेगुलर फॉग लैंप्स देख पाएंगे। उसके नीचे अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पर आपको ये रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो इसे ओवरऑल एक अपीलिंग लुक दे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इधर आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। बेसिकली पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा किया गया है जो कि इसे ओवरऑल एक अपीलिंग लुक दे जाता है। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो साइड से इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कि रेगुलर सेल्टॉस में आपको 17 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। उसी के साथ में फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, रियर में आपको भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको ऑटो की बैजिंग जो है क्रोम में देखने को मिलती है जो ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगती है। उसी के साथ जो ORBM है इसका वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है और इधर पे आपको वही मैट ब्लैक फिनिश बॉडी कलर में मिल जाती है और टर्न इंडिकेटर यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। और ओवरऑल अगर आप गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज इसमें क्रोम का शटल यूज़ किया गया है जो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया है क्योंकि इस कलर के सूट में बहुत अच्छा सूट कर रहा है। उसी के साथ अगर आप देखते हैं तो डोर हैंडल्स आपको क्रोम में दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ये क्रोम विंडो लाइन दी जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। बी पिलर और सी पिलर आपको ब्लैकआउट दिए गए हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो इधर आपको बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है जिसमें आपको अगेन रेड इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको साथ बताना भूल रहा था कि इसके व्हील्स में भी आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं जो ओवरऑल आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। तो ओवरऑल जो गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और बात कर लेते हैं कार के रियर प्रोफाइल की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको यहाँ पे एक रूफ रेल्स मिल जाती हैं। रियर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश में स्पॉइलर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। उसी के साथ में आपको यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है। ऊपर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको शार्फिन एंटीला मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रिप है ये पूरी की पूरी पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें पियानो ब्लैक फिनिश का आपको काफ़ी अच्छा और नीटली यूज़ किया गया है जो कि इस गाड़ी को बहुत ही बेहतरीन लुक दे जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो इधर आपको एक्स लाइन की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको ये सेल्टॉस लिखा हुआ है। बम्पर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है और उसी के साथ यहाँ पे आपको ये रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इधर आपको सेल्टॉस की बैजिंग मिल जाती है, ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। पूरी की पूरी टेल लाइट आपको LED मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगता है। और बूट स्पेस की बात कर लें इसमें तो इसमें आपको 433 लीटर्स की मैसिव बूट स्पेस मिल जाती है। उसी के साथ हम आपको अगर पार्सल ट्रे इसका दिखा दें तो पार्सल ट्रे इसमें आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी बड़ी सी आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे मिल जाती है। सीट इसकी जो है 60-40 स्प्लिट के साथ में आती है और अंडरनेथ आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि 17 इंचेस का है। तो ओवरऑल गाड़ी प्रैक्टिकल हो गई है। सेल्टॉस के इंटीरियर्स में भी आपको काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं जो कि इसे एक प्रीमियम लुक दे जाते हैं। सबसे पहले तो इसकी आप सीट को नोटिस करोगे जो कि वेंटिलेटेड हैं। उसी के साथ में आपको लेदरेट सीट्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं और इन सीट्स का कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है बिकॉज जो सीट्स हैं उसकी जो पैडिंग है वो ठीक है। उसके साथ आपको सपोर्टिव है, लॉन्ग डिस्टेंस आप करेंगे तो आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी और आप इसकी सीट्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं वो भी 8-way। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं।
जाता है। यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल जाता है जो कि स्लाइड नहीं होता है बेसिकली, लेकिन इसमें आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जिसका आप बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 360 कैमरा मिल जाता है, और 360 कैमरा को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स यहाँ पे दिया गया है जिसमें आपको ड्राइव और ट्रैक्शन कंट्रोल के स्विच यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक का भी एडजस्टमेंट मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको पूरी शक्ति के साथ इसको खींचना होगा, तो मुझे काफ़ी मेहनत लगी इसमें। यहाँ पे देखेंगे तो आपको सन वाइजर्स भी मिल जाते हैं, इधर भी आपको सन वाइजर्स दिए गए हैं जिसमें आपको एक वैनिटी मिरर भी अवेलेबल कराया गया है। यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं जिनमें कॉस्ट कटिंग की कोई वो नहीं की गई है, और यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है। तो बेसिकली गाड़ी में काफ़ी सारे न्यू एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं जो इसे एक ओवरऑल प्रीमियम लुक दे जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक USB का पोर्ट दिया गया है, एक 12 वोल्ट का पोर्ट है, और उसी के साथ एक फास्ट चार्जिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑटोमेटिक AC मिलती है, 10.25 इंचेस का डस्ट स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल कराया गया है, और उसी के साथ इसमें आपको प्रीमियम बोस के साउंड सिस्टम्स भी मिल जाते हैं। डोर्स की बात करें तो डोर में आपको एक स्पीकर, एक ट्विटर, और उसी के साथ में आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में मैट ग्रेफाइट फिनिश में डोर हैंडल मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको विंडोज़ से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स हैं। विंडोज़ आपको एंटी पिच फंक्शन के साथ में आती हैं, यहाँ पे आपको RVM से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, और इधर साइड आपको एक पुश स्टार्ट बटन दे दिया गया है, और हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इधर आपको क्रूज़ कंट्रोल और ऑडियो कंट्रोल से रिलेटेड, मल्टीमीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिसेंट साइज का ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा है, और जो मटेरियल है वो हार्ड है लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। उसी के साथ में आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडअप डिस्प्ले मिल जाता है जिससे जो ड्राइवर का पूरा ध्यान है वो रोड पे ही रहता है, उसको किसी भी तरह का कोई ध्यान भटकता नहीं है ड्यूरिंग द ड्राइविंग। आपको एक अच्छी स्पेस मिल जाती है, हेडरूम आपको डिसेंट मिल जाता है, और लेग रूम आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है जो आपका एक कंफर्ट इंक्रीज कर देगा। उसी के साथ आपको यहाँ पे डुअल कप होल्डर्स मिल जाते हैं, रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, कि छोटी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको एक चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल कराया गया है, और इसी साथ में आपको यहाँ पे स्मार्ट एयर प्योरीफायर का सिस्टम भी दिया गया है जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपको शो करता है। उसी के साथ इसमें आपको एक और अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि इसमें आपको 3 रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली क्या रहता है कि 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं रियर में, तो यहाँ पर आपको 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर मिल जाता है, 1 लीटर की बॉटल आप आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल है, और ये सिल्वर फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है डोर हैंडल, और इधर आपको एक ये प्राइवेसी मेश वगैरह मिल जाती है जिसको आप सन से बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको लाइट्स जो हैं अगेन LED मिल जाती हैं जिनका आप बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और अब बात करते हैं इसकी प्राइजेस की, तो इसकी प्राइजेस हैं पेट्रोल में 17.79 लाख एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से, और डीजल में इसकी प्राइजेस हैं 18.10 लाख एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कॉन्टेंट मिस ना करें।